अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ दफ़ा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल तो कौन से पैदा फरमाता है, हो जा तो वो शय हो जाती है, तो फिर तख्लीक़ कायनात छः अदवार में क्यों की। इसी तरह दीगर मामलात को लेकर भी लोग सवाल करते हैं कि भाई जब हर शय कौन से पैदा हो सकती है तो फिर ये दर्जा बदर्जा तख्लीक़ की क्या ज़रूरत है, आदम अलैहिस्सलाम को सात मराहिल में क्यों तख्लीक़ किया गया। देखें, इसमें आपको एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तख्लीक़ में अल्लाह अज़्ज़ा व जल दो चीज़ों के तहत तख्लीक़ फरमाता है। एक है आलम खल्क, जिसमें दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप तदरीजन चीज़ों को खल्क किया जाता है, तख्लीक किया जाता है। और दूसरा है आलम अमर, जिसमें हुक्मन चीज़ों को तख्लीक किया जाता है कि हो जा तो वो हो जाता है। इन दोनों सूरत हाल में चीज़ों को तख्लीक किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत आती है, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 4721 सुनन तिर्मिज़ी में भी आती है, हदीस 3141 सुनन कुबरा में इमाम नसाई लाते हैं, हदीस 11299। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते हैं कि एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ एक खेत में जा रहा था। आप एक शाख के साथ टेक लगाए हुए थे। उस वक्त वहाँ से कुछ यहूद गुजरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि इनसे रूह के मुतालिक सवाल करो। उसने कहा तुम्हें इनसे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। दूसरे ने कहा वो तुमको ऐसा जवाब न दें जो तुमको ना पसंद हो। फिर उन्होंने कहा इनसे सवाल करो। उन्होंने आपसे सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कोई जवाब ना दिया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं मैं समझ गया कि आपकी तरफ वही की जा रही है। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर कुरान करीम की आय मुबारक नाजिल हुई, वयसअलूनक अन रूह कुल रूहु मिन अम्री रब्बी वमा उतीतुम मिन अलइल्म इल्ला कलीला। और ये लोग आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। आप कहिए कि रूह मेरे रब के अम्र से है और तुमको महज थोड़ा सा इल्म दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे रब के अम्र से मुराद ये है कि रूह आलम मलकूत से है, आलम खल्क से नहीं है, दर्जा बदर्जा तख्लीक होने वाली अशिया से ताल्लुक नहीं है, वो जिस्म का मामला है। जिस्म आलम खल्क से है और रूह आलम अम्र से है, यानी आलम मलकूत से है। इसलिए रूह लतीफ है, उसके लिए आना जाना कोई मसले की बात नहीं है। वही जो मलाइका का मामला है, उसके लिए ये हमारे हर्डल्स कोई हर्डल्स नहीं है। उसकी कुव्वत समाअत, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, वो जिस्म से बहुत ज़्यादा है। वो बरज़ख में रहते हुए भी कब्र को पर आने वालों को देख लेती है, कब्र पर आने वालों को अल्लाह के हुक्म से सुन लेती है। वो एक जगह होकर जिस्म से ताल्लुक़ अपना बरकरार रखती है, हालांकि वो वहाँ होती नहीं जहाँ जिस्म दफन है, पर जो जिस्म पर गुजरती है वो उस पर भी गुजरती है, वो उसको महसूस भी कर लेती है। तो रूह जो है वो आलम अम्र से है, उसकी तख्लीक ही जुदागाना है। और अल्लामा कुर्तुबी इस ज़मीन में लिखते हैं कि रूह उस अम्र से है जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और बाज़ उलमा ने कहा कि आलम खल्क वो है जिसमें अल्लाह ताला किसी चीज़ को मादे से पैदा फरमाता है, और आलम अम्र वो है जिसमें अल्लाह ताला किसी चीज़ को सिर्फ लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।